हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रमन इंडियन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के अपडेट के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। ये बहुत अच्छी अपडेट है, क्योंकि अब रेलवे में कोई भी काम, चाहे वो ज्वाइनिंग प्रोसेस हो या डीवी मेडिकल हो, चाहे पीटी का प्रोसेस हो या एग्ज़ाम का प्रोसेस हो, इन सारे प्रोसेस को अब युद्ध स्तर के तौर पर काम किया जाएगा, यानी कि मिशन मोड में, जो कि रेलवे बोर्ड के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आइए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यह सर्कुलर जो है आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के रिजल्ट से लेकर डीवी मेडिकल के शेड्यूल से लेकर ज्वाइनिंग तक के सारे प्रोसेस के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी ग्रुप डी के पाँचवें चरण के एग्ज़ाम आज से चालू है, जो कि यह लास्ट एग्ज़ाम 11 अक्टूबर तक चलने वाला है। रेलवे ग्रुप डी के एक 2019 जो एग्ज़ाम चल रही है, उनके सारे प्रोसेस को मार्च अप्रैल तक ज्वाइनिंग देकर क्लियर कर दिया जाएगा, और इनके रिजल्ट इसी साल के दिसंबर 2022 में जारी किए जाएंगे। और जैसा कि बताया गया है कि जनवरी में डीबी और मेडिकल लिए जाएंगे। इन सारे प्रोसेस को करके मार्च अप्रैल तक सारे कैंडिडेट का ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि यह लेटर रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि द जनरल मैनेजर प्रोडक्शन यूनिट, सब्जेक्ट है फिलिंग ऑफ वैकेंसीज इन रेलवे इन मिशन मोड रिगार्डिंग, यानी कि अब रेलवे पूरी तरह मिशन मोड में काम करेगी, जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हैं। और यहाँ लिखा गया है एज अ माइट वेयर डेट DOPNT VDO OM डेटेड 12/9/2022 हैज डायरेक्टेड फिल अप द वैकेंसीज इंक्लूडिंग अ प्रोमोशन वैकेंसीज इन अ मिशन मोड। DOPNT हैज स्पेशली साउट रिगार्डिंग अपलोडिंग ऑफ डाटा रिगार्डिंग ऑफर्स अपॉइंटेड इशूड एंड रेडी टू बी इशूड अगेंस्ट डायरेक्टेड रिक्रूटमेंट कोटाज वैकेंसी, यानी कि अब जो भी रेलवे के द्वारा काम किया जाएगा, जो भी रेलवे बोर्ड के द्वारा काम किया जाएगा, उन सारे डेटा को रेलवे बोर्ड में अग्रसारित किया जाना चाहिए, सभी वैकेंसीज को। एज हैज़ बीन रिडायरेक्टली इन्फ्रेज्ड दैट देयर हैज़ टू बी अ कंसिस्ट मॉनिटरिंग ऑफ फिलिंग अप प्रमोशन कोटाज वैकेंसीज एंड द प्रमोशनल टारगेट्स इन दिस रिगार्ड विच हैव बीन फर्निश्ड ईयरली बाय जोनल रेलवे नीड टू बी अचीव टू फुलफिल द ओवर ऑल टारगेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1,48,000 प्रमोशन अप टू मार्च 2023, यानी कि मार्च 2023 तक में जो भी 1,48,000 की सारी वैकेंसीज है, जैसा कि अभी वेटिंग क्लियर भी किया जा रहा है, 1/2018 वाला टेक्नीशियन और जेई वाले का, एलपी वालों का बहुत सारे वेटिंग क्लियर कर जाए, इन सारे वेटिंगों को मिलाकर और जो अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इन सारे को क्लियर कर मार्च 2023 तक में क्लियर कर दिया जाना है। आरआरबी हैव ऑलरेडी फर्निश्ड पैनल अगेंस्ट एडिशनल इंडेंट एंड द आइसोलेटेड कैटेगरीज एंड हैव कम्प्लीटेड द एग्जामिनेशन प्रोसेस द सेंटर 1/2019। NTPC वाले की बात किया जा रहा है। सेंट्रल RRC 1/2019 लेवल 1 ग्रुप डी के बारे में बात किया जा रहा है। इन सारे को मार्च 2023 तक में ज्वाइनिंग देकर क्लियर कर दिया जाना है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंगली द जोनल रेलवे यूनिट आर required to complete the impanel process and also be ready with offers of appointments for all the approximately 1,52,713 direct recruitment intake by March-April 2023. Further, this process has been projected suitably staged month-wise for readiness of offers of appointment and promotion finalized. यानी कि अब से रेलवे मिशन मोड पे जो काम करना शुरू की है, इनके द्वारा हर एक महीना मंथ बाय मंथ सभी बोर्ड को, सभी आरआरबी जोन को मंथली वाइज अपने सारे रेडीनेस को, यानी कि अपने सारे वो क्या क्या काम की है, इन सारे प्रोजेक्ट को उनको रेलवे बोर्ड को सौंपना है। दिल्ली सारे काम को बताना होगा कि आप एक महीने में कितने काम कर चुके हैं, कितना काम आपका बाकी है, और यह काम को किस स्तर पर किया जाना चाहिए, ताकि मार्च 2023 तक क्लियर हो जाए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं।
जनरल रेलवे आर एडवाइज टू गियर अप देयर मशीनरी इन ऑल एस्पेक्ट्स टू बी इंश्योर टाइमली फिजिकली इफिशिएंट स्टेट। यानी कि जितने भी जोनल रेलवे हैं उन सभी को आदेश दिया गया है कि आपके पास जितने भी मशीनरी हैं जिससे पीटी करवाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल करवाया जाते हैं, इन सारी मशीनरी को आप तैयार करके रखें। जैसे ही पाँचवें चरण का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, युद्ध स्तर पे सारे कैंडिडेट का जो जो कैंडिडेट क्लियर करेंगे एग्ज़ाम को, उन सारे का पीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ फॉर ऑल देयर कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम आरआरबी एंड आरआरसी। सभी आरआरबी और आरआरसी को ये निर्देश दिया गया है। स्पेशली रिगार्डिंग लेवल वन ऑन रिलीज ऑफ द सीबीटी रिजल्ट विद इन दिसंबर 2022 तक सभी का एग्ज़ाम का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। दिसंबर 2022 इसलिए दोस्तों क्योंकि यह ग्रुप डी के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अपने क्वेश्चन को लेकर कंप्लेन करेंगे कि ये क्वेश्चन गलती था, वो क्वेश्चन गलती था, तो रेलवे बोर्ड इन सभी क्वेश्चन को हल करके उनको सारा डाउट क्लियर करेगी। इन सब में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए दिसंबर 2022 तक हमारे रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। द एग्जामिनेशन प्रोसेस वुड हैव टू बी टेकन द कंक्लूजन बाय द आरआरसीज ऑफ द रिस्पेक्टिव रेलवेज। दिस वुड इंटेल कंडक्ट ऑफ पीटी एज ईयरली एज जनवरी 2023 एंड कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विद इन फरवरी 2023। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल 2023 में फरवरी में क्लियर कर दिए जाएंगे। सो एज द देयर आफ्टर बी रेडी विथ ऑफर्स ऑफ अपॉइंटमेंट बाई मार्च अप्रैल 2023। दस रेलवे वुड हैव टू कवर इन अ मिनिमम ऑफ 4000 कैंडिडेट्स पर डे और फॉर पीटी एंड 500 कैंडिडेट्स फॉर पर डे डीबी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि इनके द्वारा ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि मार्च और अप्रैल 2023 तक में सभी के ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, क्योंकि इनका पर डे का इस्टीमेट है 4000 कैंडिडेट का पर डे पीटी होना चाहिए और 500 कैंडिडेट का पर डे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए और मेडिकल। इस तरह से बहुत सारे फुलफिल हो भी जाएंगे, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। काइंडली डायरेक्ट योर डिपार्टमेंटल हेड्स स्पेशली PCPO एंड PCMDS टू रियलाइज स्पेशली प्लान इन एडवांस अकॉर्डिंग विथ DRMS एंड मेक ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर इनस्टेब्लिश्ड दिस टारगेटेड एक्सरसाइज टू बी सक्सेसफुल। ताकि सभी DRM और जनरल रेलवे के द्वारा ये सब कार्य करने के बाद सब कुछ फुलफिल हो सके। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी जो भी जानकारी थी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। जो भी भाई को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आप तक रेलवे के पल पल के अपडेट के लिए। दोस्त एक लाइन और है, हम लोग जान ही लेते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, द PCPOs हैव ऑलरेडी बीन बीफ्रेड इन दिस मैटर एंड इंस्ट्रक्टेड टू इंश्योर वीकली मंथली सबमिशन ऑफ करेक्ट डाटा बोथ फॉर रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोमोशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स। यानी कि सभी जनरल रेलवे को आदेश दिया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा कि आप अब से मंथली वाइज आप मंथ में कितना डाटा फुलफिल कर रहे हैं, कितने का आपने कितने परसेंटेज तक प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया है, इन सारे प्रोसेस को आप मंथली वाइज डाटा मुझे सौंपेंगे, यह सारे आदेश दिया गया है। फर्दर इन रेडीनेस विल हैव टू कंसोलिडेटेड एंड जोनल हेडक्वार्टर्स फॉर मेकिंग अवेलेबल फॉर यूनिफाइड इंटीग्रेटेड डिजिटल इंश्योरेंस एंड डायरेक्टली बाय DOPNT। ये सारे आदेश को जोनल रेलवे को सौंपा जाता है। यह 3 अक्टूबर को इशू हुआ है। तो दोस्तों यही अपडेट था जो मैंने आप लोगों को बताया है। इसके आगे जो भी अपडेट होगी मैं पल आपको आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।